अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि बायोस फाइल कैसा और किस तरह से होता है। सबसे पहला बायोस फाइल ज़्यादातर आपको डॉट बिन में मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सारे कंपनी का लगभग बायोस फाइल है। एसर, जैसे एसर में आप देख सकते हैं बहुत सारे बायोस फाइल्स यहाँ पे है। इस तरह से बहुत सारे बायोस फाइल आपको मिलेंगे, इसमें और ज़्यादा आपको मिलेंगे बायोस। इसमें अलग तरीके से सारे कंपनी का, जैसे ए टू लेकर जेड तक सब आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, जो लोग फ्रेशर हैं उनको मैं ज़रा बता दूँ बायोस फाइल होता क्या है। बायोस फाइल से हमारा लैपटॉप के बोर्ड में एक रॉम चिप होता है, जिसको बायोस चिप भी बोलते हैं, जिसके अंदर ये फाइल रहता है प्रोग्राम होके। ये इसका प्रोग्राम अगर करप्ट होता है तो लैपटॉप्स में बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। डेड हो सकता है लैपटॉप, नो डिस्प्ले हो सकता है, रिस्टार्ट हो सकता है, ब्लू स्क्रीन आ सकता है, हैंग हो सकता है, और बहुत तरीके का प्रॉब्लम लैपटॉप में आता है। तो आपके पास अगर बायोस प्रोग्रामर ही है रिपेयरिंग के लिए, तो आपके पास अगर बायोस प्रोग्रामर है और सही बायोस फाइल मॉडल का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल आप बस बायोस प्रोग्राम करके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बायोस फाइल होना रिपेयरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और हम आपको बायोस फाइल ही खाली आप जो मांगेंगे वो नहीं, आपको बायोस फाइल भी मिलेगा, और दूसरा उस बायोस फाइल को कैसे प्रोग्राम करते हैं ये भी आपको अगर ज़रूरत होगा तो हम सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।